माँ लक्ष्मी बरसाएंगी अपनी कृपा, गरीबी भागेगी कोसों दूर। बस ये पांच उपाय आपको करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुने वो पांच उपाय जिनको करके गरीबी को कोसों दूर आप भगा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा अनवरत आप पर बरसती रहेगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एस. सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। धन दौलत सुहरत अमीरी और बरकत यानी तरक्की किसको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तो लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी जब माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती तो लोग निराश होने लगते हैं। और ये सबके ऊपर नहीं बरसती कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके माँ लक्ष्मी की कृपा को बरसाया जा सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा जब बरसेगी तभी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य व्यक्ति को प्राप्त होता है और अपनी मनचाही कामना की पूर्ति कर पाता है। वैसे तो ज्योतिष में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, पूजा पाठ होम हवन तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह के उपाय हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे आसान उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आप कहीं भी रह करके उसको कर सकते हैं और उसको करने मात्र से आपकी ज़िंदगी में धन की कमी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा अनवरत आप पर बरसती रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पाँच उपायों में से पहला उपाय। पहला उपाय यह है कि तुलसी जी का पौधा लगभग लोग अपने घरों में लगा करके रखते हैं, तो मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि तुलसी जी के साथ उसी गमले में या उसी स्थान पर केले का भी पौधा लगाएं। केले का पौधा तुलसी से जितना करीब होगा उतना ही अच्छा है और लगाने के बाद में हो सके तो गुरुवार के दिन केले का पौधा लगाएं तुलसी के वृक्ष के साथ और उन्हें रोज स्नान करने के बाद सुबह घी का दीपक जलाएं और हो सके तो शाम को भी घी का दीपक वहाँ जलना चाहिए और यह क्रिया शुरू करें और धीरे धीरे देखेंगे आप कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी और आपकी आर्थिक तंगी दूर होने लगी, घर में खुशहाली आने लगेगी। अब उन पांच उपायों में से दूसरे नंबर का उपाय है, पान के पत्ते से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। पान अर्पण किया जाता है उनको, लेकिन पान का यह उपाय अति शीघ्र लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तो करना क्या है, पान के पत्ते पर शमी वृक्ष का पत्ता, शमी नाम का एक वृक्ष होता है, उसका पत्ता लेकर के पान के पत्ते में, वो पत्ता कितना भी हो गिनने की जरूरत नहीं, लेकर के उस पान के पत्ते में लपेटें, लपेट करके उसको फोल्ड करके लाल धागे से बांध करके या मोली के धागे से बांध कर, मोली सूत्र से बांध करके उनकी पूजा करके आप अपने धन के स्थान पर ले जा करके रख दें या तिजोरी में रख दें या काउंटर में जहाँ भी आप धन रखते हैं स्थिरता के लिए वहाँ रख दें। यह क्रिया किसी भी शुक्रवार को करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके यहाँ धन आकर्षित होने लगा और धन की तंगी दूर हो गई। अब तीसरा उपाय यह है कि कमल के फूल का, माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, कमल के फूल को ला करके उसे आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद नित्य हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार को तो अवश्य करना चाहिए। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए, गरीबी को कोसों दूर भगाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार ये उपाय ज़रूर करें। स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके बैठें, कमल का फूल चढ़ाएं और वहां माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करें और हो सके तो यह क्रिया रात को 11:30 से 12:30 के बीच में करें और संभव ना हो तो सुबह कर सकते हैं, लेकिन रात्रि का किया हुआ यह जो विधान है यह अत्यंत जल्दी ही फलित होता है। तो आप ये करेंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। अब चौथा उपाय कमल के ही पौधे का उपाय है, कमल के फूल का नहीं, कमल के बीज का उपाय है। आप 9 कमल गट्टे का बीज ला लें, लाने के बाद उसे धो करके, दूध से धो करके, पानी से धो करके, यह क्रिया भी किसी शुक्रवार को करें, उस पर हल्दी कुमकुम लगा करके माता लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करें, चाहे कोई भी मंत्र हो। अगर कोई मंत्र न मालूम हो तो ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मये देव्ये नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करें। घी का दीपक जला करके सामने माता लक्ष्मी के फोटो के पास या मूर्ति के पास बैठ करके या किसी मंदिर में बैठ करके भी यह उपाय कर सकते हैं। 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद उस 9 कमल गट्टे के बीज को लाल कपड़े में लपेट करके उसको लाल धागे से सिलाई कर दें या पूड़ी बना के बांध दें, चाहे जैसे भी उसको अपने जेब में या अपने दुकान के काउंटर में या तिजोरी में रख दें। अगर घूम करके आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपनी जेब में रखें या अपने बैग में रखें। ऑफिस है तो आप दो बना लीजिए, एक घर में रखिए एक ऑफिस में रखिए। व्यावसायिक स्थल है तो दो बनाइए, एक आप दुकान पर रखिए काउंटर में, एक घर में तिजोरी में रखिए। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं तो जल्द ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके यहाँ धन आता हुआ दिखेगा। अब पाँचवा उपाय है लहसुन, जो मसाले में खाया जाता है, सब्जी में खाया जाता है लहसुन। लहसुन की एक कली छोटी सी, वो पूरा गांठ नहीं, उसकी एक कली लेकर के किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पर्स में, कागज़ में लपेट करके पर्स में या अपनी जेब में, शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और यह नित्य रखना है। एक ही कली को रोज़ प्रयोग में नहीं लाना है, यह कली रोज़ बदलना है, शुक्रवार से यह क्रिया शुरू करनी है। तो कागज़ में लपेट करके या लाल कपड़े में लपेट करके उसको जेब में रख लें या अपने पर्स में रख लें, बैग में रख लें। पर्स में रखें तो ऐसा रखें कि वो पिचके नहीं, दबे नहीं, इसका ख्याल ज़रूर रखें। तो ये करने मात्र से इस तरह का जो उपाय है, लहसुन की कली अपने पास अगर शुक्रवार के दिन से रखना शुरू करते हैं, रखने से पहले उसको धूप दीप जरूर दिखाएं कि मैं आपको रख रहा हूँ अपनी सुख और समृद्धि के लिए, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। इतने बात कहने से उसके अंदर का जो पावर है वो जागृत होता है, नहीं तो आप उसको रख लेंगे ऐसे तो उसे पता नहीं कि हम किस बात के लिए रख रहे हैं। इसलिए उपासना में एक भाव ये भी है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पत्थर के टुकड़े से, किसी भी वनस्पति के टुकड़े से यह प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी इसमें देवता निवास करते हैं वह मेरी मदद करें, तो ज़रूर उसकी शक्ति आपके साथ हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी करती है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटे छोटे उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मुझसे संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं ताकि मैं उसका समाधान आपको दे सकूँ। नमस्कार, धन्यवाद।